हैप्पी होली बोलो, हैप्पी हैप्पी होली, जोर से हैप्पी होली, जोर से जोर से हैप्पी होली, और जोर से बोलो हैप्पी होली। जोर से बोलिए हैप्पी होली बोलिए। साथ हैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही सीनियर फसुम किमोम एमएलए हैं चंगलांग के। सर ये होली पे आप क्या विश करना चाहेंगे? होली तो नेशनल फेस्टिवल है, सबको अच्छा से मनाना है, तो अरुणाचल वासी भी तो मना रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा असेंबली का वजह से हम लोग अच्छा से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, फिर भी मेरा विश है कि इस साल का जो होली है सब लोग अपना नेशनल फेस्टिवल का तौर पे अच्छा से मनाने से अच्छा है। देखिए ये होली का त्यौहार है, सच्ची मायने में माना जाए तो ये हमारा हिंदू धर्म का रीति रिवाज का मुताबिक ये सबसे बड़ा पर्व है। आज देश विदेश में इसको मनाया जा रहा है और हम ईटानगर कैपिटल सिटी में भी मनाया जा रहा है। मेरा नगर निगम का ओर से मैं आप सबको, मीडिया बंधु को, सारा यहाँ का जनता को, मेरा अपना वेल विसर को मैं तहे दिल से होली का शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये त्यौहार एक चीज़ से भी कनेक्टेड है, इसको हम लोग मानते हैं कि सच्चाई का अच्छाई का जीत है और बुराई का गलत चीज़ का खत्मा है, ये भी हम मानता है। तो आज का इस शुभ अवसर में, आज का इस शुभ दिन में मैं ऊपर वाले से ये मैं दुआ करूंगा कि मेरे ईटानगर का जनता अच्छा हो, फूले फले, सबके लिए मैं ये कामना करूंगा कि सबके आने वाला जिंदगी आज का तारीख से सबको अच्छा हो, इस तरीके का मैं कामना करता हूं। और मैं दोबारा से अपना फैमिली का ओर से और पार्टी कार्यकर्ता का ओर से होली का शुभ अवसर पे सबको वेरी वेरी हैप्पीएस्ट होली टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, सुनने को मिल रहा है कि आपका जो आईएमसी में जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, कुछ आपका जो कुछ नंबर ऑफ कॉर्पोरेटर्स आपका अगेन चला गया था, अभी अंदर ही अंदर में रिजॉल्व हो चुका है, कि आपका तरफ से क्या बयान रहेगा, स्टेटस क्या है सर अभी? इस विषय में मेरा टिप्पणी ये होगा कि आप सबको पता है जब भी हम आपका मीडिया बंधु का सामने आता है, समाज का सामने किसी चीज़ को चर्चा करता है तो हम कम झूठ बोलता है, हम झूठ बोलने नहीं जानता है। तो मेरा जहाँ तक मिस मंगफी आपका, मेरा जो जानकारी है मेरा जहाँ तक सीमित है, आपका सवाल को मैं ये बता पाऊँगा कि हाल ही में हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ कॉरपोरेटर्स जो है कहीं कैम्प बनाया, कहीं अपना दुखी जाहिर किया, ऐसे सुनने में आया, लेकिन मुझे पता नहीं है।